रूट विवाद के चलते बस को किया आग के हवाले। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। जैसलमेर जिले में पोकरण के सांकड़ा थाना क्षेत्र जसवंतपुरा गांव के पास आज स्लीपर निजी बस को बदमाशों ने रूट के विवाद के चलते आग के हवाले कर दिया, जिससे सड़क मार्ग पर लंबा जाम लग गया। वहीं 10-12 बदमाश बस को आग के हवाले कर मौके से फरार हो गए। जैसलमेर पुलिस की जानकारी के अनुसार निजी बस दवाड़ा से जोधपुर की तरफ जा रही थी। अचानक बुलेरो कैंपर गाड़ी में सवार होकर 10-12 बदमाश जसवंतपुरा गांव के पास बस को रुकवाकर चालक और परिचालक के साथ मारपीट कर बस में सवार सवारियों को बस से नीचे उतारकर पेट्रोल व केरोसिन डालकर बस को आग लगा दी। बस को जलती देख आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पोकरण से फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच जल रही बस को पानी से आग पर काबू पाया। वहीं सांकड़ा पुलिस के कार्यवाहक थान अधिकारी नींब सिंह भाटी व भनियाना चौकी पुलिस के प्रभारी किशनाराम ने मौके पर पहुंच घटनास्थल का जायजा लिया। गौरतलब है कि निजी बस संचालकों के बीच रूट विवाद चल रहा था। कुछ दिन पूर्व उजला व झलारिया गांव के पास दूसरे गुट की दो बसों में तोड़फोड़ की थी, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। आज बुधवार को पहले वाले गुट के बदमाशों ने बस को आग के हवाले कर फरार हो गए हैं। जैसलमेर पुलिस एसपी गौरव यादव ने गंभीरता से मामला लेते हुए पोकरण सीओ सहित अन्य थाना अधिकारियों को बदमाशों के खिलाफ सर्च अभियान चलाकर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर पुलिस की अलग अलग टीमें दबिश दे रही है।